इंटरनेट, वेब एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट इंटरनेटवर्क वर्ड से आया है और ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और नेट। नेट जो कि नेटवर्क का ही शॉर्ट फॉर्म है। इंटर का यहाँ पर मतलब है बिटवीन या बीच में। जैसे कि आपने वर्ड सुने होंगे इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट या इंटरस्टेट बस टर्मिनल। हाँ जी, याद आया, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। चलिए मैं बताता हूँ। इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट से मतलब है ऐसा टूर्नामेंट जो दो या दो से अधिक देशों में या बिटवीन नेशंस खेला जाता हो। इसी तरीके से इंटरस्टेट बस टर्मिनल एक ऐसा बस टर्मिनल जहां से बस सर्विसेज दूसरे स्टेट्स के लिए अवेलेबल हों या बसेस दूसरे स्टेट्स तक जाती हों। क्योंकि इसके बीच में इंटर और स्टेट है, यानी कि दो या दो से अधिक अलग अलग स्टेट्स के बीच में कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि इस केस में बसेस की सर्विसेज एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक प्रोवाइड की जा रही है। तो अब बताइए इंटरनेटवर्क या इंटरनेट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, अगर आपको समझ आ गया है तो नीचे कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। जी हाँ, इंटरनेट का मतलब है दो या दो से अधिक नेटवर्क्स के बीच में नेटवर्किंग होना, या दूसरे शब्दों में कहें कनेक्शन, कम्युनिकेशन और यूजफुल शेयरिंग होना। तो अगर एक सेंटेंस में कहना हो तो इंटरनेट का मतलब है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क्स में आपस में नेटवर्किंग होना। अब इन नेटवर्क्स में क्या होता है? इन नेटवर्क्स में डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जैसे कि डेस्कटॉप्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर्स और स्कैनर्स, और कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्किंग स्विचेस, राउटर्स, गेटवेज एटसेट्रा एटसेट्रा होते हैं। इंटरनेट के डिजाइन को विजुलाइज करना या इसके आर्किटेक्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट हर रोज हर पल बढ़ फूल रहा है। हर समय कोई ना कोई नेटवर्किंग डिवाइस या नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट हो रहा है। आप अपने आप का ही एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप अपने घर पर कंप्यूटर या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर में कोई ऐसा डिवाइस होता है जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस डिवाइस को ISR या इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर कहा जाता है। ये ISR डिवाइस नेटवर्क स्विच, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, राउटर और मॉडेम को इंटीग्रेट करके बनाया जाता है, यानी कि ऑल इन वन। अब आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस को थ्रू केबल या वायरलेसली इस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं। ये डिवाइस यानी कि ISR, जो कि स्विच, राउटर, एक्सेस पॉइंट और मॉडेम का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी थ्रू वायर या वायरलेसली आपके लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ISP के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। क्या आपने ISP के बारे में सुना है? और क्या आपको अपने ISP का नाम पता है? और क्या आपको पता है कि आपके एरिया में कौन कौन से पॉपुलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या ISPs हैं? अगर आपको पता है तो उनका नाम आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब अगर इसके आगे बढ़े तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और दूसरे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स नेशनल नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बहुत से ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मिलकर रीजनल नेटवर्क, और ये बहुत से रीजनल नेटवर्क मिलकर ग्लोबल इंटरनेट बैकबोन बनाते हैं। आज के समय में इंटरनेट सिर्फ टेक्निकल लोगों के द्वारा कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के लिए ही यूज नहीं किया जाता, बल्कि आजकल तो लगभग सभी लोग, यानी के बच्चे, बूढ़े और जवान, इंटरनेट को किसी न किसी काम के लिए यूज कर ही रहे होते हैं। इसे आप ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट जैसे कि मूवीज, सीरियल्स, सॉन्ग्स आदि देखने और सुनने के लिए, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एटसेट्रा से सोशलाइजेशन यानी के मेल मिलाप बढ़ाने के लिए, या फिर ई कॉमर्स यानी के ऑनलाइन खरीदारी के लिए, या फिर ऐसी बहुत सी और चीजों के लिए भी इंटरनेट यूज किया जाता है। www से आप क्या समझते हैं? www यानी के वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे कि आमतौर से W3 या वेब भी कहा जाता है, असल में पब्लिक वेब पेजेस और वेब रिसोर्सेज का एक इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड सिस्टम या कलेक्शन होता है, जिसे कि इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जाता है। ये कलेक्शन जिन कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है, और इस कलेक्शन को वेबसाइट। इन वेबसाइट्स में टेक्स्ट पेजेस, डिजिटल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एटसेट्रा एटसेट्रा होते हैं। कोई भी यूजर पब्लिक वेब पेजेस और वेब रिसोर्सेज को अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन आदि
किसी भी डिवाइस से इंटरनेट को यूज करके दुनिया के किसी भी हिस्से से एक्सेस कर सकता है। WWW, हमें वर्ल्ड वाइड वेब की जरूरत क्यों पड़ी? WWW से पहले अलग अलग कंप्यूटर्स पर रखी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए किसी भी यूजर को इंटरनेट को यूज करके सभी कंप्यूटर्स पर अलग अलग लॉगिन करना पड़ता था, यानी कि हर एक अलग कंप्यूटर पर अलग से लॉगिन करना पड़ता था। इसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी थी, जैसे कि कभी कभी डिफरेंट कंप्यूटर्स पर फाइल्स का डिफरेंट फॉर्मेट में होना। इससे एक दूसरे के फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत ही मुश्किल होता था। वर्ल्ड वाइड वेब की इन्वेंशन एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट सर टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में की थी। सर ली ने 3 ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जिससे वेब क्रिएशन की शुरुआत हुई। इन टेक्नोलॉजीज से स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस आसान हो गया। ये 3 टेक्नोलॉजीज इस प्रकार हैं: HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे यूज करके स्टैंडर्डाइज्ड वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है ताकि वेब कंटेंट्स को वर्ल्ड वाइड किसी भी कंप्यूटर से रीड किया जा सके और समझा जा सके। सभी वेब पेजेस का बेसिक स्ट्रक्चर HTML को यूज करके डिजाइन किया जाता है। URI यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जिसे कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL के नाम से भी जाना जाता है, ये वेब पर रखे किसी भी रिसोर्स का यूनिक एड्रेस या पाथ होता है। वेब पर रखे हर एक पेज या वेब पेज का एक यूनिक URL होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल https://www.google.com या https://www.microsoft.com या फिर http://www.cisco.com etc. URL को वेब एड्रेस भी कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, URL सिर्फ डोमेन नेम ही नहीं होता, इसमें और भी इंफॉर्मेशन होती है जो वेब एड्रेस को कंप्लीट करती है, जैसे कि http://www.nctnic.in/textbook/textbook.htm। इसमें www.nctnic.in डोमेन नेम है और कंप्लीट एड्रेस वेब एड्रेस या URL है, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप कोई भी एक वेबसाइट ओपन कीजिए और थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए और जब URL और डोमेन नेम में डिफरेंस समझ आए तो नीचे कमेंट्स में यस समझ आ गया है जरूर टाइप कीजिएगा। HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल या सेट ऑफ रूल्स जिसे यूज करके वेब सर्वर पर रखे वेब पेजेस को एक्सेस किया जाता है। HTTP से ज्यादा सिक्योर और एडवांस्ड वर्जन आजकल यूज किया जाता है, जिसे कि HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर SSL कहा जाता है। SSL का मतलब है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स हैं जो WWW को समझने में हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि वेब सर्वर, ऐसा सर्वर जिसके ऊपर वेब पेजेस और दूसरे रिसोर्सेज रखे जाते हैं ताकि यूजर्स उसे एक्सेस कर सके। वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन को कहते हैं जो कि यूजर के कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल डिवाइस पर होती है, जिसकी हेल्प से वेब पेजेस को एक्सेस और ओपन किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल का क्रोम या मोजिला का फायरफॉक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉपुलर वेब ब्राउजर्स इस समय अवेलेबल हैं। WWW आज दुनिया का सबसे पॉपुलर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है। WWW की मदद से आज यूजर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन के भंडार को एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।